नमस्कार, एसएसटी प्राइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल मिंडे फ्रॉम एसवाईआईटी। चलिए देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। एसएसटी कॉलेज ने लिया स्वच्छ भारत अभियान में सहभाग। एसएसटी कॉलेज ने किए गांधी जयंती के अवसर पर विविध उपक्रम। एसएसटी कॉलेज के एनएसएस यूनिट का यूएमसी द्वारा फेलिसिटेशन। बैचलर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस के द्वारा टेक रील संपन्न। कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया जेंडर सेंसिटाइजेशन टॉपिक पर सेशन। बॉलीवुड डे पर झूम उठा एसएसटी कॉलेज। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत डीएलएलई ने लगाए फूड स्टॉल्स। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने किया सेमिनार का आयोजन। एनएसएस द्वारा लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का सक्सेसफुल आयोजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एसएसटी कॉलेज ने लिया स्वच्छ भारत अभियान में सहभाग। एसएसटी कॉलेज हमेशा ही स्वच्छता के प्रति हमेशा तत्पर रहता है। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान सफल किया गया। उसी के साथ एसएसटी के सारे टीचर्स और स्टूडेंट ने पूरे कॉलेज के परिसर स्वच्छता का कार्य सफल किया, जिसमें ये सहभाग के लिए उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया। यूएमसी के साथ एसएसटी के एनएसएस यूनिट ने हिल लाइन पुलिस स्टेशन के साथ एक्टिविटी कंडक्ट की, जिसमें स्वच्छता ही सेवा इस थीम के अंदर एक घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। एसएसटी कॉलेज सभी महापुरुषों के जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है। वैसे ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती निमित्त में कॉलेज में उनके प्रतिमा को माला पहनाकर उनके प्रति आदर भाव व्यक्त किए गए। साथ ही इस अवसर पर सीएसटी स्टेशन से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक पीस रैली निकाली गई। इसके अलावा एनएसएस यूनिट ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने आयोजित किए गए भजन संध्या में भी हिस्सा लिया। एसएसटी कॉलेज के एनएसएस यूनिट का यूएमसी द्वारा फेलिसिटेशन। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग आयोजित स्वच्छ भारत अभियान में पथनाट्य द्वारा सिटीजन में अवेयरनेस करने की एक्टिविटी में एसएसटी के एनएसएस यूनिट ने सहभाग लिया। इस उपलक्ष्य में एसएसटी कॉलेज को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वॉलंटियर्स को फेलिसिटेट किया गया। बैचलर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस के द्वारा टेक रील संपन्न। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं। उनके लिए आने वाली जनरेशन को तैयार करना कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैचलर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए एरा ऑफ टेक्नोलॉजी रील्स हिस्ट्री एंड इनोवेटिव फ्यूचर टॉपिक पर एक्टिविटी की गई, जिसमें होटल्स, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी जैसे अलग अलग क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में रील बनाए और प्रेजेंट भी किए गए, जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट हुई। कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया जेंडर सेंसिटाइजेशन टॉपिक पर सेशन। कॉलेज का एनएसएस यूनिट सोशल वर्क के अलावा जेंडर अवेयरनेस के लिए भी काम करता है। हाल ही में एक इंफॉर्मेटिव सेशन आयोजित किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य जेंडर रिलेटेड इश्यूज के बारे में जानकारी देना और अवेयरनेस क्रिएट करना था। डॉक्टर योग नाम्बियार इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन रही। कॉलेज का बीएएमएमसी विभाग कई उत्साहपूर्वक इवेंट लेकर कॉलेज का कैंपस एक्टिव करता रहता है। नेशनल सिनेमा डे और अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर कॉलेज के कैंपस में बॉलीवुड डे धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डांस, सिंगिंग, मिमिक्री, रैंप वॉक जैसे अनेक प्रोग्राम किए गए, जिसमें ऑडियंस का भी सहभाग मिला। बीएएमएमसी के स्टूडेंट्स ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने लीडरशिप, इवेंट मैनेजमेंट जैसे कई स्किल्स डेवलप किए। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत डीएलएलई ने लगाए फूड स्टॉल। कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन यूनिट ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत फूड स्टॉल्स का आयोजन यूनिट ने किया। सभी को पसंद आने वाले चाट आइटम्स के स्टॉल पर स्टूडेंट्स और टीचर्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन स्टॉल्स को लगाने से स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स का प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के आईटीसीएस विभाग ने अपने स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया। करंट इशू रिलेटेड टू इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन इंडिया यह सेशन का टॉपिक रहा। असिस्टेंट प्रोफेसर और एडवोकेट ऑफ हाईकोर्ट श्री सुनील शाह सेशन के रिसोर्स पर्सन थे। एनएसएस द्वारा लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का सक्सेसफुल आयोजन। एनएसएस वॉलंटियर्स में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने के उद्देश्य से हर साल लीडरशिप कैंप आयोजित किया जाता है। इस साल भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एनएसएस विभाग और एसएसटी कॉलेज का एनएसएस यूनिट इन्होंने मिलकर 5 दिन के लीडरशिप कैंप का आयोजन किया। कैंप का इनोग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट लाइसन ऑफिसर डॉक्टर रामेश्वर कोठावले इनके हाथों से हुआ।
योग एंड नेचुरोपैथी सेंटर जाम्बिल घर बदलापुर, यहाँ हुए इस कैंप में अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से स्टूडेंट्स में लीडरशिप के साथ ही बाकी बहुत क्वालिटीज डेवलप हुई। इस कैंप में बहुत सारे मान्यवर एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन भी मिला। यह थी अब तक की खबरें, मिलते हैं अगले SST प्राइम बुलेटिन में। धन्यवाद।